परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम तैयार किया है और यह हमारा काम है कि उसके लिए भूखे हो जाए, कि हम इच्छा रखें कि उसे ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम रखा है और उसे ले ले, उसमें रहे परमेश्वर की महिमा के लिए, कि प्रभु को प्रसन्न करे। रोमियो 8:17 कहता है कि यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के कैसे वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस है। कितना अद्भुत विचार है। बचपन में मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं परमेश्वर का वारिस हूं और मसीह का संगी वारिस हूं। यदि वारिस होने के बारे में कुछ बताया तो मुझे वो याद नहीं, क्योंकि याद किए जाने के रूप में उन्होंने नहीं बताया। इसके बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इसे सुना भी कि उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का वारिस हूं और मसीह यीशु के साथ में संगी वारिस हूं। मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने इसे अच्छे से देखा है। ऐसे समय में जिसमें मैं पला बढ़ा और आप में से कुछ लोग पले बढ़े, लेकिन अभी हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। जैसे साल बीतते जाते हैं, हम और ज्यादा बढ़ते जाते हैं और हम परमेश्वर के बारे में और भी बातों को ज्यादा जानते हैं, और ये सच में अद्भुत है। हम एक जगह अटके नहीं हैं, एक ही काम को हर समय नहीं करते हैं।
हम ज्यादा और ज्यादा सीख रहे हैं और हम यहाँ पे सुनते हैं बहुत ही अद्भुत बातें जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। बाइबल कहती है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और न मनुष्य के चित्त में ये बातें उतरी जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। प्रभु ने इतना तैयार किया, न हमने कभी देखा, न कभी हमने सुना और न ही ये बातें हमें कभी समझ में आई, और धीरे धीरे हम इसे कर रहे हैं और ये बहुत अद्भुत है। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि तू जगत का वारिस होगा। शायद ये बहुत ज्यादा लगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल वही प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने आदम से की थी। जब उसने शुरू किया, उसने कहा तुम इस जगत को ले लो, तुम इस पर राजा बनो, इस पर प्रभु और स्वामी बनो, इस पर पूरा अधिकार कर लो, इस पर अधिकार करो। और देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को ये अधिकार दिया इस पृथ्वी के पूरे क्षेत्र पर। और बाइबल में हम यही तो पढ़ते हैं, और पतन के बाद, यानी यहां पर उसके बाद कुछ हुआ और यहां पर बदलाव आया, और मनुष्य ने ये सब कुछ जो उसे दिया गया था, जो परमेश्वर ने दिया, उसे शैतान को सौंपा, और छुटकारा हुआ इसलिए कि यीशु आए मनुष्य के रूप में, मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में, कि हम जो भी खोए थे उसे वापस ले, कि हम अब ये कहना कि तुम जगत के वारिस हो, ये कुछ अजीब नहीं। परमेश्वर बस वही बात करता है, वो तो असली योजना में वापस जाता है, असली विचार में, कि वो चाहता है कि ये जगत का वारिस हो। परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलती। कई बार यहां वहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी योजना पूरी करूंगा और मैं से करूंगा। अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है तू जगत का वारिस है, और अब वो कहता है केवल तू ही और तेरी संतान ही नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति जो तेरी जैसे विश्वास करता है वो जगत का वारिस होगा, वो इससे बढ़ा देता है। देखिए, परमेश्वर का लक्ष्य ये था कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जगत का वारिस हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सबसे पहले यही तय किया। जगत का वारिस होना मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवन के लिए हमें जो भी चाहिए, हमारी भक्ति के लिए, पृथ्वी पर हमारे मिशन के लिए, हम जिस उद्देश्य के लिए जीते हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ पृथ्वी पर है, चाहे पैसा हो, जमीन हो, बिल्डिंग हो, जो भी स्रोत चाहिए सब यहाँ पर पृथ्वी पर उपलब्ध है। शायद कुछ समय के लिए गलत हाथों में हो, लेकिन प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम इसे ले लो। बाइबल में इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बाइबल कहती है दुष्ट का धन धर्मियों के लिए रखा गया है। परमेश्वर दुष्ट को कुछ समय तक उसका आनंद लेने देता है, क्योंकि किसी को इसे रखना है जब तक कि उसके लोग उसे लेने के लिए तैयार न हो। और इसलिए कनानी, जो कि बहुत ही दुष्ट लोग होते थे, वो दूध और मधु के देश में रहते थे, उन्होंने सारे फल खाए और उस उत्तम देश में रहे जिसे परमेश्वर ने इसराइली लोगों के लिए तैयार किया था, क्योंकि इसराइली लोगों ने 40 साल और देरी कर दी उसमें आने के लिए। तो परमेश्वर कहता है हालांकि अगर मैं कनानी लोगों को यहां पर से निकाल दूं, क्योंकि वो तो अयोग्य है, तो फिर जंगली जानवर यहां पर आकर रहने लगेंगे। मैं इसे तुम्हारे लिए तैयार करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दूध और मधु की धाराएं बहती रहे, भूमि अच्छी उपज उपजाए, कि जब तुम आओ तो इसका आनंद उठा सको। तो परमेश्वर कई बार अपने तरीके से दुष्ट को अपने धन का आनंद उठाने देता है, कि सही समय पर उसे लेकर वो हमें दे सके। आमेन। और मैं सोचता था अरे मेरे प्रभु, हम इसे कैसे प्रचार कर सकते, कोई आकर हमें मारेगा क्योंकि हमने ऐसे कहा है। लेकिन ये परमेश्वर का सत्य है, ये तो परमेश्वर की सच्चाई है, जो कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के पास हो, सबसे उत्तम उसने उन्हीं के लिए तैयार किया, और वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम जाकर विश्वास से इसे ले। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, व्यवस्था विवरण 32 से हम कह रहे हैं इन सारी चीजों को लेने के बारे में, परमेश्वर ने जो तैयार किया उसके वारिस हो जाने के बारे में। व्यवस्था विवरण 32 वचन 13 और 14, व्यवस्था विवरण 32 13 और 14, उसने उनको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। मूसा बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से कैसे व्यवहार किया, उन्हें महानता में लाया और बहुतायत में और आशीष में लाया। वो इस तरह बताता है, उसने उनको, यानी ये इसराइलियों को, पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। अब पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, ये पुरानी भाषा है, लेकिन सच में इसका अर्थ है पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, इसका मतलब है यानी वो उन्नति पाते हैं, प्रमोशन पाते हैं, उठाए जाते हैं यहां इस पृथ्वी के जीवन में। पृथ्वी के जीवन में
ऐसे स्तर पर ऊंचे उठाए जाते हैं जिसका पहले आनंद नहीं उठाया। प्रभु चाहता है कि आप ऊंचे स्थान पर सवार हो। क्या आप ये विश्वास करते हैं दोस्तों? बहुत से मसीह विश्वासी नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए यही तो चाहता है, लेकिन ये मेरे लिए अद्भुत है कि परमेश्वर चाहता है कि हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाए, नीचे स्थानों पर न रहे। हम निचले स्थानों में ही रह जाते हैं, कहते हैं कभी ऊपर रहना है, कभी नीचे रहना है, अभी समय हम नीचे हैं। नहीं, प्रभु चाहता है कि आप सवार हो ऊंचे स्थानों पर। वो चाहता है कि आप ऊपर जाएं, वो चाहता है कि आप उठाए जाएं, वो चाहता है कि आप आशीषित हो, आप ऊपर रहें, वो चाहता है कि आप नीचे न रहे, वो चाहता है कि आप सिर बने और न कि पूछ। यही तो इसका अर्थ है। और फिर खेतों की उपज खाए, इसका मतलब है खेत अच्छी उपज देगा और तुम उसमें से खाओगे। तो मैं इसे आसानी से समझ सकता हूं, लेकिन अगली बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। अब ये थोड़ा अजीब है, मैं समझ सकता हूं खेत की उपज खाना, क्योंकि खेत से उपज होती है, लेकिन चट्टानों से कुछ नहीं मिलता है। जमीन जहां पर पथरीली जमीन होती है उसमें कुछ नहीं कर सकते, खेती बाड़ी वहां पर नहीं कर सकते, कुछ उपज नहीं मिलती। परमेश्वर कहता है कि उसने उन्हें चट्टानों से मधु दिया। अब देखिए, मधु के लिए यानी मधु बनाने के लिए वहां पर फूल होने चाहिए, तब उसमें से मधु मिल सकता है। और ये सब ये फूल कहां पर बढ़ेंगे? ये चट्टानी पथरीली जमीन पर, ये मुश्किल है। तो प्रभु कहता है, सच में यही इसका अर्थ है, मुश्किल जगह पर जहां पर कुछ नहीं बढ़ता है, यदि मेरी आशीष तुम पर है तो उन चट्टानों के बीच में जो भी दरार है वो तुम्हारे लिए काफी कि इतना उत्पन्न करे कि जो मधु यानी ये जो मधु है वो बहेगा और तुम उसमें से उसे ले सकोगी। आमेन। सबसे मुश्किल जगह पर देखिए, आज 80 से भी ज्यादा देशों के लोग हमारे प्रोग्राम को पूरे संसार में वेबकास्ट के माध्यम से देखते हैं, और उनमें से कुछ लोग रहते हैं अच्छे, बहुत ही अच्छे देश में जहां पर सब कुछ अच्छा है, शांतिपूर्ण है। कुछ तो ऐसे देशों में रहते हैं जहां गड़बड़ियां हैं, जहां गरीबी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां रहते हैं, ये मायने रखता है किस पर विश्वास करते। यदि इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में कहता हूं, वह ऐसा करेगा कि आप चट्टान में से मधु ले पाएंगे। जहां से आपको एक पैसा नहीं मिल सकता है, परमेश्वर वहां से आपको रुपये देगा, परमेश्वर आपको वहां से लाभ देगा, उन पथरीली जगह से, उन मुश्किल जगह से, ऐसी जगह से जहां सब मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड में परमेश्वर आपको वहां पर सफल बनाएगा और ऊंचे स्थान पर रखेगा। यह इसका मतलब है। आगे देखिए, चकमक की चट्टान से तेल चुसाएगा। अब ये यहां पर इसराइलियों के बारे में कहता है, वो जैतून के पेड़ बढ़ाते थे और फिर वहां उस जैतून में से वो तेल निकाला करते थे, जैतून के फलों से। और ये जैतून के पेड़ कहां पर बढ़ेंगे? पथरीली जमीन पर, जहां पर पत्थर है, मुश्किल जगह पर। फिर बताऊं, अगर कहीं कोई दरार है, पेड़ बढ़ते हैं, कुछ भी मौका मिला तो वो बढ़ते जाते, हर एक छोटे मौके में वो इसे लेते हैं और उससे जो कुछ भी मिलता है वो आपके लिए पर्याप्त से बढ़कर है। देखिए, सबसे कठोर जगह से यानी कहिए पथरीली जमीन में से सबसे उत्तम तेल आपको मिलता है। मुझे ये विचार बहुत पसंद है, अच्छा विचार है। परमेश्वर कहता है इसकी चिंता मत करो कि परिस्थितियां कैसी हैं, मंदी की परवाह मत करना, कितना मुश्किल, ये न सोचना कि यहां पर कितनी स्पर्धा बढ़ गई है। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पीछे चलो, मेरे साथ आगे बढ़ो और मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा कि तुम चट्टानों में से मधु निकालोगे और कठोर चट्टान से तेल निकालोगे। बस इसके बारे में सोचिए, जैसे आप नए साल में प्रवेश करेंगे, इसके लिए तैयार हो जाए कि आप खींच निकाले उन आशीषों को सबसे मुश्किल जगह से और संपन्न हो सबसे मुश्किल जगह पर। और फिर वचन 14 देखिए, मैं आज इसी पर गौर करना चाहता हूं। कहता है, मवेशियों से दही, कितने लोगों को दही पसंद है? मुझे पसंद है। मवेशियों से दही और भेड़ बकरियों से दूध पाओगे, मेमने की चर्बी और बाशान की जाति के मेढ़े और बकरे। बाशान की जाति तो मेढ़े में सबसे उत्तम होती है, और बाशान की जाति के मेढ़े और बकरे और उत्तम से उत्तम आटा भी, प्रभु कह सकता था, राशन की दुकान का गेहूं कह सकता था, बस खा लो, जो भी मिला है वो खाओ। नहीं, ऐसे नहीं कहा। वो कहता है उत्तम से उत्तम गेहूं। ये वचन का पूरा विचार ये है, जब ये कहता है मवेशियों से दही
भेड़ बकरियों का दूध और मेमनों की चर्बी, चर्बी शब्द महत्वपूर्ण है, चर्बी अगर शरीर पर है तो अच्छी नहीं, लेकिन ओ हमें ये सीखना है लेकिन ये आपके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि चर्बी, जब बाइबल चर्बी के बारे में कहती है, ये सच में कहती है उपमा के रूप में सबसे उत्तम के बारे में, परमेश्वर की आशीष जो सबसे उत्तम है किसी भी चीज की, जानते हैं, चर्बी सबसे उत्तम, ठीक है, और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। आखिरी लाइन में ये जो अनुवाद है उतना स्पष्ट नहीं बताता है, ये कहता है तू दाखरस का मधु पिया करता था। अगर आप इसे दूसरे अनुवाद में देखेंगे तो ये पाएंगे, तुमने ऐसा दाखरस पिया जो खून के जैसे लाल था, क्योंकि अंगूर इतने अच्छे थे कि उसका रस खून के जैसे दिखता था। ये उत्तमता के बारे में कहता है, सबसे उत्तम अंगूर यहां पर सबसे उत्तम दाखरस बनाते थे। यानी देखिए, यहां पर जो पूरा विचार है, वचन का विचार ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास सबसे उत्तम हो। परमेश्वर अपनी संतान के बारे में सोचता है, कहता है मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सबसे उत्तम पाओ, गुलामी मेरा विचार नहीं है, और तंगी में रहना, कमी घटी में रहना ये मेरा विचार नहीं है, मैंने उसे नहीं बनाया। मेरा विचार तो यह है कि तुम्हें सबसे उत्तम, सबसे अच्छा दूं, सबसे महान, सबसे उत्तम तुम्हें देता जाऊं। और इसलिए चर्बी और अच्छा खून का सा शब्द आया है, यानी वो खून के जैसे लाल था, ऐसे अंगूर थे, और ये सारे शब्द हमें ये बताने के लिए उपयोग हुए कि परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे उत्तम आशीष का आनंद उठाए। आमेन, सबसे उत्तम का। और इसलिए मैंने आपको बताया, जब उसने पानी का दाखरस बनाया तो वो हमारे घर के जैसे कर सकता था कि आखिर में उसमें थोड़ा पानी मिला दो और बस उसे बहुत से लोगों को देते चले जाएं, और शायद उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया होगा, और अगर ध्यान में भी आ जाए तो सभ्यता के कारण वो कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारे घर में हमेशा वो ऐसा कहते थे, प्रभु की स्तुति करके इसे खाओ, बात नहीं करना, इसका मतलब ये अच्छा नहीं है लेकिन तुम इसे खाओ, हमें तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है। और हमने सोचा ये बहुत ही आत्मिक है, और अभी हम आत्मिक जीवन जीना सीख रहे हैं और हमें बस ऐसे ही जीना है। और फिर मैंने बाइबल पढ़ी और मैंने पाया कि हमें आत्मिक जीवन ऐसे जीना है कि परमेश्वर चाहता है कि आपके पास सबसे उत्तम हो, सबसे बेहतर, चर्बीदार, सबसे उत्तम हो हर तरह से। लेकिन इसमें दो सिद्धांत जुड़े हैं, दो सिद्धांत जुड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, परमेश्वर की आशीषों का स्वाद लेने में, इन बातों का स्वाद लेने में, दूध और दही, मधु और वो सारी चीजें, यानी तेल और ये अंगूर और ये सारी चीजें, कि इन आशीषों का स्वाद ले, ये तो परमेश्वर की आशीषों को दर्शाता है। इन आशीषों का स्वाद लेने के लिए दो सिद्धांत आपको मन में रखने होंगे, और पहला सिद्धांत तो ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं आप इसे याद रखें। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो ये है, ये आशीषें जरूरी नहीं कि केवल पवित्र के लिए हो, ये तो भूखों के लिए है। मैं अभी बताना चाहता हूं पवित्र लोग और भूखे लोगों के बीच में बड़ा फर्क है, क्योंकि मैं पवित्र लोगों में रहा हूं, अभी मैं भूखे लोगों में हूं इसमें बड़ा फर्क है दोस्तों, जानते हैं, मसीहत तो पवित्र लोगों से भरी है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये आशीषें केवल पवित्र लोगों के लिए नहीं, लेकिन ये भूखों के लिए है। अगर आप पवित्र हैं, अब देखिए गलत मत समझिए, मैं पवित्रता को दूर नहीं कर रहा, अपमान नहीं कर रहा, पवित्रता की शिक्षा को नीचे नहीं रख रहा, हमें पवित्र होना है, हमने इस पर चर्चा की है और इसके बारे में हमने बहुत सी बातों को देखा है, तो हम ये भी सिखाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने, यानी तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, तुम्हारा बुलाने वाला पिता पवित्र है, यीशु ने पहाड़ी उपदेश में ये सिखाया, इसमें कोई संदेह नहीं और मैं इसे बिल्कुल कम नहीं मानता। लेकिन केवल पवित्र होना ही काफी नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है, हमने बहुत से पवित्र लोगों को बनाया लेकिन भूखों को नहीं बनाया। अब भूखे लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों के पीछे जाते हैं और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के सबसे उत्तम को लेते हैं, क्या आप समझ रहे हैं, अपने लिए प्रभु का सबसे उत्तम लेते हैं और उसे हासिल करते हैं और उसे लेते हैं, उसका आनंद उठाते हैं और उसे हर जगह फैलाते हैं। यही भूखे लोगों के बारे में है। अब पवित्र लोग तो अच्छे लोग हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, सिगरेट नहीं पीते, ना ही कभी थूकते हैं, जानते हैं, शराब नहीं पीते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कुछ किया है?
मैं बताऊं बिल्कुल नहीं। जानते हैं उनकी लिस्ट यह है कि वो क्या नहीं करते। बड़ी लिस्ट है, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता हूं, मैंने 40 साल पहले इसे छोड़ दिया, 50 साल पहले उसे छोड़ दिया, मैंने इस तरह से नहीं देखा। जानते हैं मैंने 25 साल से ये महसूस नहीं किया। ये पवित्र लोग हैं, अद्भुत है। पवित्रता के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो आपकी प्यास के लिए, मतलब आपकी 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 पवित्रता की इच्छा के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप भूखे व्यक्ति हो जाएं, कि प्रभु के उत्तम का आनंद उठाए। क्योंकि यदि आपके पास पवित्रता है और आप नहीं जानते कि परमेश्वर से उत्तम कैसे पाए, कि प्रभु के उत्तम को पाकर उसका आनंद उठाए, तो आप परमेश्वर के लिए पूरी तरह से बेकार है और इस संसार में उसके उद्देश्य के लिए बेकार हैं। आप कुछ नहीं बन सकते, आप खुद को इस संसार के सामने नहीं दिखा सकते हैं। प्रभु की संतान के रूप में कहे कि देखो प्रभु ने क्या किया है, और मेरे प्रभु के पास आओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। आप वो नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप भूखे लोग हो। अब पवित्र लोग तो अच्छे लोग हैं, तो ऐसे बहुत से अच्छे विश्वासी हैं, ऐसे बहुत से लोग स्वर्ग में मिलेंगे क्योंकि वो स्वर्ग के लिए योग्य हैं। लेकिन पवित्र लोग, क्योंकि वो भूखे नहीं हैं, वो परमेश्वर की किसी भी आशीष का अनुभव नहीं करती हैं, तो जब स्वर्ग में मिलेंगे तो वो कहेंगे, जानते हैं मैं बहुत पवित्र था, लेकिन यहां पर आने पर पता चला कि पृथ्वी पर मुझे बहुत कुछ मिल सकता था, मैं ये सब कर सकता था, मैं ये सब कुछ बन सकता था, लेकिन मैं कभी इसके पीछे नहीं गया। मैं केवल पवित्रता के पीछे चला, लेकिन कभी अपने जीवन में परमेश्वर के सबसे उत्तम के लिए भूखा नहीं बना। तो जैसे परमेश्वर चाहता था वैसे मैं अपने जीवन में नहीं जिया, वो आपको ये बताएंगे। वो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो जानेंगे यहां पृथ्वी पर बहुत सी बातों को चूके हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी। परमेश्वर ने सबसे उत्तम तैयार किया, जैसे उसने इसराइलियों के लिए दूध और मधु का देश तैयार किया था, परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम तैयार किया है। और यह हमारा काम है कि उसके लिए भूखे हो जाए, कि हम इच्छा रखें कि उसे ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम रखा है, और उसे ले उसमें रहे परमेश्वर की महिमा के लिए, कि प्रभु को प्रसन्न करे। अब आपके बच्चे बड़े होते हैं और वो सबसे उत्तम करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, अपने करियर में, तो फिर आप में से कितने लोग खुश हो जाएंगे, उन्हें ऐसे देखकर खुश होगे। अगर वो दुख उठा रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं, तो हम खुश नहीं होते। हमारा स्वर्गीय पिता तो हजारों गुना खुश होता है जब आप सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब आप बहुत फलवंत होते हैं, जब आप वो हो जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना और उद्देश्य बनाकर रखा है। आमेन। तो केवल पवित्र होना काफी नहीं है, हमें भूखे व्यक्ति होना है। अब जो भूखा व्यक्ति होता है वो कैसे दिखता है? पिछले हफ्ते हमने बताया, और पिछले कुछ हफ्तों से हम बताते आ रहे हैं कि सुबह सुबह 6:30 बजे हमारी सभा होगी। 7 के बजाय आधा घंटा पहले शुरू करेंगे। मैं सुबह 6:15 बजे आता था और पूरी जगह पर मानो धुंध छाई होती है, अंधेरा होता है, सड़क पर धुंध होती है, अंधेरा होता है। तो मैं सोच रहा था कि क्या लोग यहाँ पर आ पाएंगे, सुबह 6:30 बजे मैं जाऊं और वहां पर कोई ना हो, या बहुत कम लोग होंगे, तो ये कैसे होगा। और मैं यहाँ आया 6:30 के 5 मिनट पहले, ये जगह भर चुकी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जगह भर चुकी थी। भरी थी 6:30 बजे। ये इसलिए कहता हूं, ये भूखे लोग हैं। वो सुबह जल्दी उठे, सुबह सुबह जल्दी तैयार हुए, वो यहां प्रचारक के पहले आना चाहते थे, और वो तो भूखे थे। वो कब आएंगे, कब इसे देंगे, वो इसे कब करेंगे, चलो इसे ले, वो तो भूखे लोग हैं। Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. Remember your children, remember.
love and justice, God of Jacob. June used only to lead the soul. June lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. June, your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Children, remember your promise, oh God.